छात्रों, मैं डॉक्टर सूरज चौगुले और आज अनुवाद इस विषय पर हम बात करेंगे। साहित्य जगत को जब हम देखते हैं तो वैश्विक साहित्य जो आज हमारे सामने आ रहा है वो अनुवाद के जरिए से हमारे सामने आ रहा है। अनुवाद एक ऐसी क्रिया है, अनुवाद एक ऐसा विज्ञान है जिस आधार पर दुनिया का पूरा साहित्य एक दूसरे के पास पहुंच रहा है। और यही वजह है कि अनुवाद को लेकर बात करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अनुवादित साहित्य हम पढ़ते हैं, अनुवादित कलाओं को हमने देखा है और इस जानकारी को मतलब कला विज्ञान साहित्य अलग अलग क्षेत्र में अनुवाद काम कर रहा है। तो अनुवाद क्या है और अनुवाद की परिभाषा क्या है ये पहले हमें देखनी है। प्रारंभ करते हैं हम अनुवाद की परिभाषा से लेकर। यहाँ अनुवाद के बारे में शब्द देखिए, अनुवाद, अनु और वद, इन दो शब्दों से ये अनुवाद शब्द बना है। अनु यह उपसर्ग है और वद मतलब धातु है। वद मतलब वदन, कहना, और अनु मतलब दोबारा कहना। जो कहा गया है उसे दोबारा कहना, उसे अनुवाद कहते हैं। वद यह कथन है, अनु और पुनः, यह पुनः कथन जो है वह यहाँ पर आता है, जिसकी परिभाषा यूजी नायडा और भोलानाथ तिवारी जी ने की है। भोलानाथ तिवारी अनुवाद के बारे में कहते हैं कि अनुवाद साहित्य एक ऐसा है कि एक भाषा के साहित्य सामग्री को दूसरी भाषा के साहित्य में जैसे कि वैसे ले जाना, इसे अनुवाद कहा जाता है। जैसे कि वैसे, न जोड़ो न छोड़ो। अनुवाद सीरिंज की उस सुई की तरह है कि जिस तरह से सीरिंज में हम दवाई लेते हैं और मरीज के शरीर में पहुंचाते हैं, उसमें न जोड़ा जाता है न छोड़ा जाता है, वैसे ही अनुवाद के बारे में भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं। और या यूजी नायडा कहते हैं कि ट्रांसलेशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल टू वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। तो यहाँ दो भाषाओं की आवश्यकता होती है, एक भाषा है स्रोत भाषा और दूसरी भाषा है लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा उसे कहते हैं जिस भाषा का अनुवाद करना है उसे स्रोत भाषा कहते हैं, और जिस भाषा में अनुवाद करना है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। यहां से इस अनुवाद के बारे में जब हमने देखा तो दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है कि क्या अनुवाद कला है या अनुवाद विज्ञान है। तो कला के बारे में प्रारंभ में हम देखेंगे कि कला किसे कहते हैं। आर्ट्स जिसे कहा जाता है। कला दो प्रकार की होती है, जैसे मैंने बताया कि एक ललित कला है और दूसरी उपयोगी कला है। उपयोगी कला के अंतर्गत जो रोजी रोटी से जुड़ी हुई कला है वह भी एक प्रकार की कला है, लेकिन वह रोजी रोटी से जुड़ी हुई कला है जिसमें भौतिक आवश्यकता की पूर्ति करना या अपने रोजी रोटी को पाना कमाना, ये इस कला का महत्व होता है। जैसे चर्म कला है, वास्तु कला है आदि अलग अलग प्रकार की कलाएं हम देख सकते हैं, यह भी एक प्रकार की कला है। दूसरी कला जो है वह ललित कला है, जिसमें सौंदर्य से संबंधित जो सौंदर्य बोध होता है उसे ललित कला कहते हैं, जिसमें संगीत है, नृत्य कला है आदि इस प्रकार की जो कलाएं हैं, इसके आधार पर भी कलाओं को जोड़कर मनुष्य की भावनाओं को या मनुष्य के मन को आनंद प्रदान करने वाली जो बातें होती है वो ललित कला के अंतर्गत आती है। अनुवाद विशुद्ध रूप से कला नहीं है बल्कि उसमें एक प्रकार का विज्ञान भी है, ये हमें देखना है। तो क्या अनुवाद विज्ञान है, इस बात को लेकर बात करेंगे। जैसे विज्ञान विशेष ज्ञान, विज्ञान के नियम सार्वदेशिक होते हैं, सर्वसमावेशक होते हैं, काल स्थल इन सभी जगह पर कहीं भी आप जाइए विज्ञान के नियम जो निश्चित होते हैं, ठोस होते हैं, वो सार्वकालिक होते हैं। किसी भी कालखंड में ले लीजिए विज्ञान के नियम बदलते नहीं हैं। तो क्या विज्ञान का यह जो पहला नियम है कि विज्ञान यह एक नियम, विज्ञान के नियम जो सार्वदेशिक और सार्वकालिक होते हैं, क्या वह अनुवाद पर लागू होते हैं, इस बात को लेकर अनुवाद विज्ञान की ओर जाता हुआ हमें दिखाई देता है। दूसरा है ये एक विशुद्ध ज्ञान है, जिस तरह से गणित, रसायन, भौतिकी, प्राणीशास्त्र आदि अलग अलग प्रकार की जो विशुद्ध विज्ञान है वो एक प्रकार से अलग विज्ञान है। दूसरा है शास्त्र। शास्त्र और विज्ञान में अंतर है। विज्ञान जैसे मैंने बताया कि स्थल, काल, देश यहां एक समान होता है, लेकिन शास्त्र वैसे नहीं होता। शास्त्र कभी कभी परिवर्तित भी होता है। अनेक लोगों की समाज का अध्ययन करके जो शास्त्र बनाया जाता है, जो कसौटियों के आधार पर, वहां सामाजिक कसौटियां काम करती है, यहां वैज्ञानिक कसौटियां काम करती है। तो इन दोनों के बीच में वो विशुद्ध विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है, जिसमें इतिहास है, समाज विज्ञान है, मनोविज्ञान है, इस तरह से जब हम दोनों की तुलना करते हैं तो पता चलता है कि वह विशुद्ध विज्ञान है, वह सामाजिक विज्ञान है, अनुवाद विशुद्ध विज्ञान नहीं है। इस मुद्दे पर हम आते हैं। और फिर अनुवाद में वैज्ञानिक तत्व है, कौन कौन से
निश्चितता अनुवाद में होती है, तर्कसम्मतता होती है, निरपेक्षता होती है, सटीकता होती है, शुद्धता होती है। यह अनुवाद की कसौटियां है, इसलिए कुछ प्रकार से अनुवाद विज्ञान की ओर भी जाता है और अनुवाद सामाजिक विज्ञान की ओर भी जाता हुआ हमें दिखाई देता है। फिर अनुवाद को हम क्या कहते हैं? यह एक प्रकार का पुनः सर्जन है। अनुवाद सर्जन नहीं है, अनुवाद क्रिएशन नहीं है। ट्रांसलेशन इज नॉट अ क्रिएशन, इट इज अ, जिसे हम कहते हैं कि जिसे पुनः सर्जन किया जाता है, दोबारा बनाया जाता है लक्ष्य भाषा के प्रकृति के अनुसार तथा शैली में। यह पुनः सर्जन होता है, जैसे मैंने बताया कि श्रोत भाषा जिसका अनुवाद करना है उसे श्रोत भाषा, जिस भाषा में अनुवाद करनी है उसे लक्ष्य भाषा, तो लक्ष्य भाषा के शैली के अनुसार अनुवाद जो है वो होता हुआ हमें दिखाई देता है। श्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में एक प्रकार से समतुल्यता, समानता हमें स्थापित करनी पड़ती है। जो श्रोत भाषा में कहा गया है वो वैसे ही लक्ष्य भाषा में लाना और उसमें एक समतुल्यता स्थापित करना अनुवाद का कार्य है। इसलिए अनुवाद जो है पुनराभिव्यक्ति है, अनुवाद पुनराभिव्यक्ति है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अनुवाद कला विज्ञान शिल्प यह मिलकर अनुवाद बनता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कला भी इसमें है, अनुवाद में विज्ञान भी है, और अनुवाद में तीसरा घटक जो है वो है शिल्प, मतलब इन विज्ञान को और कला को इस तरह से वो शिल्पित करता है, इस तरह से वो बांधता है, तब जाकर वो अनुवाद बनता है। ये हम सारांश में देख सकते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि जब कला विज्ञान और शिल्प से लेकर जब अनुवाद बनता है तो अनुवाद के अंतर्गत वो वैज्ञानिक प्रक्रिया में उसे जोड़ने की यहाँ क्षमता अनुवादक में होनी चाहिए। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जैसे मैंने बताया कि अनुवाद के चार चरण हैं, जैसे पाठ पठन, पाठ विश्लेषण, भाषांतरण, पुनर्गठन अर्थात समायोजन और मूल से तुलना। शॉर्ट में देखिए क्या है, पाठ पठन मतलब जिस साहित्य का अनुवाद करना है उससे उसका हमें पठन करना है, फिर उस पाठ का विश्लेषण करना है, उसे विस्तार से समझना है, और फिर भाषांतरण करना है। तीसरा चरण है, सीधे ट्रांसलेटर पर आते हैं, ट्रांसलेशन पर आते हैं, जो किया गया है भाषांतर उसका पुनर्गठन करना है, लक्ष्य भाषा के आधार पर उसका पुनर्गठन करना है, अर्थात उसका समायोजन, समतुल्यता स्थापित करनी है, और अंतिम इसकी मूल से तुलना करनी है, जो मूल है उससे तुलना करनी है। यह अनुवाद के अंतर्गत उसकी प्रक्रिया है। अनुवाद के उपकरण क्या क्या है? अनुवाद के उपकरण एक शब्दकोश, विश्वकोश, संदर्भ कोश, भाषा वैज्ञानिक ग्रंथ, कंप्यूटर और इंटरनेट। यह अनुवाद के अलग अलग उपकरण हैं, इनके आधार पर अनुवाद कर सकते हैं, ये अनुवाद के साधन हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि अनुवाद की प्रक्रिया, जैसे मैंने समझाई, मूल भाषा का पाठ, समन्वय, विश्लेषण, उसका बोधन, पारिभाषिक अभिव्यक्ति, उसका पुनर्गठन, फिर पुनर्निरीक्षण, पर्यालोचन और लक्ष्य भाषा का पाठ। मतलब यहाँ से मूल स्रोत भाषा से हम आरंभ करते हैं और आते हैं लक्ष्य भाषा तक। यह प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। यह लक्ष्य भाषा तक आने की एक प्रकार से प्रक्रिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अंत में हम देखेंगे कि अनुवादक के गुण क्या है। अनुवादक के गुण में अनुवादक तटस्थ होना चाहिए, निरपेक्षता उसमें होनी आवश्यक है, दो भाषाओं पर उसका समान अधिकार होना चाहिए, समतुल्यता स्थापित करने की क्षमता अनुवादक में होनी चाहिए, तकनीकता का ज्ञान होना चाहिए, अलग अलग जैसे मैंने बताया शब्दकोश है, इंटरनेट है, इन बातों की जानकारी उसे होनी चाहिए। न जोड़ो न छोड़ो, न उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ना है, जो तटस्थता मूल में पहला उनका गुण है वो इसमें आता है, न जोड़ो न छोड़ो। पारिभाषिक शब्दावली का उसे ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ पुनः सर्जन की प्रतिभा भी उसमें होनी आवश्यक है। सैद्धांतिक जानकारी और व्यावहारिक ज्ञान अनुवाद में होना चाहिए, अनुवाद के लिए भी एक प्रकार की प्रतिभा जो है वो प्रतिभा का होना जरूरी है। इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है देखिए, साहित्य समृद्धि, मानव सभ्यता और संस्कृति, शिक्षा क्षेत्र, संचार माध्यम, विज्ञापन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ज्ञान विज्ञान में बढ़ोतरी, राष्ट्रीय एकात्मता और मानव कल्याण में सहयोग देने का काम जो है वो अनुवाद कर सकता है। और इस प्रकार से अनुवाद हमें एक उपयोगी के रूप में, उपयोगिता के रूप में हम देख सकते हैं। तो छात्रों देखिए, यह अनुवाद के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया और अगले वीडियो में कुछ अलग जानकारी लेकर आऊंगा। तब तक हम रुकते हैं।